और अभी 9:41, अभी 9:41 हो रहा है, तो हम अभी निकल रहे हैं घर से। 5 हो गए, तो निकलते निकलते हो गए 9:45। दो तीन टर्नल्स है ना यहाँ पे, तीन है शायद, मुझे लगता है छोटी 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 छोटी। एक टनल खत्म हो के दूसरी टनल शुरू हो गए, और वो निकलने वाली टनल ना उस साइड वाली, वन साइड है, वन वे। हाँ तो हवा नहीं है ना बेटा बाहर की, इसलिए ये खत्म हो गया। अभी दूसरी शायद थोड़ी दूर है ना। हाँ ये तो है, ये पास में, और वन मतलब अच्छा है यार इनका, देखो टू वे बना रखी है, मतलब ये वन वे। ये थोड़ी छोटी है, से आगे दिल्ली, दिल्ली जम्मू नगर रोटा, यहाँ से आगे देख रहे हो पंजाब की साइड, यहाँ से पूरी फॉग है बिल्कुल हम लोगों की साइड की जैसे। नगरोटा, नगरोटा के आगे मतलब सोचो कोहरा ही कोहरा है होगा बेटा। हाँ तो फॉग ही है, धुआं वहाँ कुछ नहीं है यार, मतलब कितना फर्क है देखो उस टोल के, वही तो पूरी धूप। पठानकोट 130, जम्मू 33। कोहरा ही कोहरा, घना कोहरा एकदम। घना तो है यार, उस साइड पूरी धूप है, इधर कोहरा है। अमृतसर 168। सकता है ये पार्किंग हो, इतना बड़ा मंदिर है तो बोलो। अभी हम पहुंच गए हैं कहाँ, अमृतसर गोल्डन टेम्पल में। हमने अपनी कार पार्क कर दी है गोल्डन टेम्पल, और हमने जैकेट पहन ली है गोल्डन टेम्पल है। अरे कार पार्किंग है, ये गोल्डन टेम्पल का एरिया है, गोल्डन टेम्पल कर दी है। और बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, से हम जैकेट पहन के आए हैं, और यहाँ से है गोल्डन टेम्पल 230 मीटर। यहाँ से रिक्शा भी मिल जाता है, बट अभी अब चल गया पैदल रास्ते। अगर ऐसा लिखा भी होगा तो मुझे पढ़नी नहीं आती पंजाबी, इनको हिंदी में लिखना चाहिए था। Not my fault. ये भी बनी है, यही होगा जलिया वाला बाग, क्योंकि इसमें बहुत सारी फोटो बनी है। अम्मा उधर तो लिखा था 200 मीटर दूर है, यहाँ 300 कैसे हो गया? Oh my God, इतना झूठ। गोल्डन टेम्पल 100 मीटर बढ़ा दिया, चलो कौन सी लड़की की थी। तो यह है जलियांवाला बाग का एंट्रेंस गेट। देखो बता रहे हैं जगह वाला बाकी बारे में। आज भी उनका हजारों लोगों को याद करके रोज कम देखते हैं, जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
यहाँ पे सुनो, यहाँ पे चलो मैं लेता हूँ, चला जा। तो आगे जाएंगे अभी, चलो इस जगह भी मारा था। ये क्या है मतलब, हाँ बहुत सुंदर बना है, बहुत ही प्यारा है यार, अच्छा बना रखा, मतलब अच्छा बना रखा, मतलब कितना वहाँ से पानी निकल रहा है प्लेन ऐसे नीचे फिर वहाँ से पानी। वो देखो गोलियों के निशान, वो सामने दिख रहे हैं, वो वहाँ पे देखो, वो सब गोलियों के निशान है। चलो चलते हैं उधर, पता चलेगा अंग्रेज यहाँ खड़े होंगे। अरे यहाँ नहीं, वहाँ खड़े थे, यहाँ क्यों खड़े होंगे, प्लांट है ये, चलते रहो ना, फिर मैं आ जाऊंगी। अरे यहाँ पे रात में होता होगा, कितने बजे से होता है? दर्शन करने वाला वो साढ़े दो बंद हो जाता है, लंगर का 24 घंटा है। तो ये वाइट वाइट करने की जरूरत है, ऐसे ही बना दिए ना वाइट, नहीं नहीं अब वो पुराने भी होंगे, कुछ टूट गए होंगे। क्यों होंगे यार, गोलियों के निशान है वो, देखो ना वो खिड़कियां वो सब बंद भी कर रखी शायद बाद में। यहाँ पे अरे कूदेंगे नहीं बेटा, जब गोलियां चलेंगी तो जान भी तो बचानी है अपनी, तो कूद जाएगा खुद ही मर जाएंगे। अरे कुएं में कूद के तो बच भी सकते हैं, गोलियों से थोड़ी ना बच सकते हैं बेटा। हाँ इसमें हो सकती है, हाँ फिश होती तो वहाँ ऑरेंज वाली जैसी भी। मम्मा जूते उतार के अंदर जाना, कहाँ अंदर लिखा हुआ है। वीथी का 3 गैलरी 3 एंट्री। कैमरे भी लगे हैं आप, शहीद कुआं जिसमें लोग कूद गए थे, कुएं के अंदर पैसे मत डालें। तो ये कुआं बंद कर दिया गया है चारों तरफ से, माय गॉड बहुत बड़ा है यार कुआं, पानी का ना, हाँ बहुत बड़ा कुआं, पानी बाल्टी से इसमें डाला है ना, पानी होना वैसे ही डाल देते हैं।
इंसान कुछ कम मिलती दिखी और एक बेचैनी भरा किंतु स्थिर शांति वाला माहौल बन रहा। The atrocious memories of the Lahore conspiracy case were still fresh, besides the relative impact of the war. On the other hand, we had in Punjab Michael O'Dwyer, the lieutenant governor, who was hell-bent on crushing any nationalist. उसमें आग लगी हुई रहती है ना, बस पेट्रोल वो डालते हैं उसमें, नीचे से वो आता है गैस, जैसे गैस होता है ना उसमें, नहीं अमर ज्योति वही होती है जो हमेशा जलती रहती है, उसकी आग हमेशा जलती रहती है हमेशा 24 घंटे। कैसे क्यों बुझी होगी बेटा, उसमें देखा नहीं कांच लगा रखा, शीशा बंद है, वो पैक्ड है पूरी तरफ से। जो जलाने के बाद उनकी राख रखी थी, राख हाँ यहाँ पे कुछ हुआ था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं। तो अभी हम आ गए बाहर, देख के जलियांवाला बाग।